हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम रिजल्ट। डेट 2024 यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम का रिजल्ट डेट हुआ घोषित। इस डेट तक जारी होगा रिजल्ट, इंतजार समाप्त हुआ। तो लगातार हमारे चैनल बने रहिए। क्या अपडेट है, सारे अपडेट फुल डिटेल्स आपको देंगे। वीडियो स्किप नहीं करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम रिजल्ट डेट 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम 31 अगस्त कर लिया गया है। अब बता दें कि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त, 31 अगस्त, 5 दिनों में 10 पालियों में यह परीक्षा आयोजित कराई गई है। लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को भी दिया है। 48 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म को भरा था और 32 लाख उम्मीदवारों ने इस बार पेपर को दिया है। अब इन जितने भी कैंडिडेट्स हैं और इन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। आखिर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे नोट करके इसी वेबसाइट पे आपको जाना है। और जल्द कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनका इंतज़ार भी जल्द समाप्त होने जा रहा है। कांस्टेबल भर्ती में पास होने वाले उम्मीदवारों का शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण कराया जाएगा और इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा होता है और इसके बाद में मेडिकल टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि 10 माह की यह ट्रेनिंग चलेगी। इस ट्रेनिंग अवधि के दौरान जो है अभ्यर्थियों को पूरा वेतन भी मिलेगा। यूपी कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम रिजल्ट इन डेट तक। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम रिजल्ट संबंध में बात करें तो कर लिया जाए तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वह जल्द जारी किया जाएगा और अभ्यर्थियों का इंतज़ार भी समाप्त होगा। उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि तक में कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी किए जाने की योजना है। भर्ती बोर्ड इसी तैयारी में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वह कभी भी घोषित किया जा सकता है। यूपी कांस्टेबल भर्ती में कितने नंबर होने जारी है, जरूरी है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के संबंध में बात करिए जाए तो कितने नंबर होने जरूरी है, जो आपको सबसे पहले बता दिया जाता है कि सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों जो पुरुष वर्ग हैं कट ऑफ उनके लिए जो है 185 और 195 जा सकता है। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही, महिलाओं के लिए 181 कट ऑफ जा सकता है और ओबीसी के लिए 175-180 कट ऑफ जा सकता है और वही महिला अभ्यर्थी के लिए 170 से और 175 कट ऑफ जा सकता है। एसटी के लिए 115-120 कट ऑफ जा सकता है और वही महिला अभ्यर्थियों के लिए 110-115 कट ऑफ रहेगा। तो रह सकता है कट ऑफ 150-155 जा सकता है, महिलाओं के लिए 145-150 कट ऑफ जा। सभी लोग अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे और आप ज़रूर अपना फाइनल रिजल्ट आपके अंदर होगा कि हमारा इतना मार्क्स है क्लियर, तो आप पुलिस बन करके ही रहेंगे। यूपी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट इस प्रकार करें चेक। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के संबंध में बात कर लिया जाए तो आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपके सामने upppbb.government.in पर जाना ज़रूरी है।
इसके बाद अपने वितरण को दर्ज करना हो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जन्मतिथि आदि की जानकारी को दर्ज कर देना होगा। जैसे ही जानकारी आप भरते हैं, इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा और आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक प्यारा से ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।